थैंक यू तपस्या एंड थैंक यू गीतू। दर्शकों आप सभी को मेरा यानी श्वेता का प्यार भरा नमस्कार जी। आज रक्षाबंधन का पर्व है और हम आपको दिखाने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन की कैसी रौनक है। जी हाँ, मेले सज चुके हैं, रक्षाबंधन का एक खास पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, क्या क्या मिठाइयाँ खाते हैं और आज के खास दिन की कुछ खास बातें। जी हाँ, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, रक्षा सूत्र से जुड़ी हुई बातें आज हम करने वाले हैं। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। ओ, 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 कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है, कुछ कहती है ये बदली और क्या कहती है। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, तू रहती है। अरम चिम गाता है पानी, क्यों गाता है, तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास झलकियां। सावन माह में मेहंदी का अलग ही महत्व होता है। हाथों में रंग बिरंगी मेहंदी हर किसी के मन को मोह लेती है। आइए देखते हैं सावन मेले में मेहंदी की क्या धूम है। आपका नाम? नंदितो। आप मेहंदी लगवा रही हैं, क्या बात है, बहुत खूबसूरत मेहंदी है ये, कुछ बताएं अपने बारे में नंदिता। रक्षाबंधन इज नियर बाय, सो मैं भोपाल स्पेशली दिल्ली से आई थी टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली एंड टू सी द सिटी। तो बस अब इस फर्स्ट टाइम इस गौर मेला फेस्टिवल में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑब्वियसली मेहंदी वेहंदी लगवा के काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड स्पेशली ये मैरिज का एक सिंबल होता है, तो आई एम रियली लाइकिंग इट। हाँ बिल्कुल ठीक कहा कि ये शादी में बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है, मेहंदी का लगाना शुभ होता है और जैसे कि माहौल भी इस वक्त जो है रक्षाबंधन का है तो फेस्टिव मूड में नंदिता यहाँ पर अपने हाथों में मेहंदी रचा रही हैं। Thank you.
आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं और क्या कुछ खास है उनके इस खास त्यौहार के लिए। तो आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ कोई है जी। आपका नाम? अलका पांडे जी। अलका जी, क्या कुछ लिया है आपने इस मेले से और कैसे क्या शॉपिंग और क्या मूड है आपका? फेस्टिवल का मूड है, टेराकोटा से रिलेटेड मटेरियल परचेस किया है बस, और जस्ट बच्चों के लिए थोड़ा बहुत। पर भोपाल का कोई भी मेला होता है हम लोग जरूर घूमने आते हैं क्योंकि भोपाल मेलों के लिए बहुत फेमस है ना, और हैंडीक्राफ्ट्स में हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं तो ऐसे मेलों में हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत सामान मिल जाता है। रक्षाबंधन की तैयारियां भी श्रावण मास की पूर्णिमा के समय होती हैं क्योंकि हम श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उनकी रक्षाबंधन को लेकर। जी, क्या कुछ तैयारियां की हैं आपने रक्षाबंधन पर्व पर? अपने भाइयों को राखी भेज दी हम लोगों ने और अब अपने हाथों में मेहंदी लगवा रहे हैं, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि त्यौहारों पर मेहंदी और इन चीज़ों का बहुत शौक है, इसीलिए हम यहाँ मेले में आए हैं, थोड़ा सामान भी खरीदे और मेहंदी लगवा रहे हैं। तो दर्शकों, देखा आपने सावन का ये मेला कैसे धूम मचा रहा है, लेकिन इस मेले की सबसे खास बात है ये मेहंदी। तो जी हाँ, जो ये मेहंदी लगा रही हैं, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ आज मेहंदी आर्टिस्ट फारा है, उनका स्वागत है। फारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कब से ये मेहंदी का काम कर रही हैं? मुझे लगभग 18 ईयर्स हो गए हैं मेहंदी लगाते हुए, और मुझे बचपन से ही शौक था, क्रेज भी बहुत था मेहंदी का। एटलीस्ट मुझे सावन मेले में मेहंदी लगाती हुई कम से कम 12 साल हो गए हैं। अच्छा, तो ये मेहंदी आपने खुद सीखी है या फिर ये आपको खुदा का तोहफा है? जी, मुझे गॉड गिफ्ट है और मुझे बहुत शौक है लोगों को मेहंदी लगाने का, मुझे इंटरेस्ट आता है। बहुत अच्छी बात है। तो देखा दर्शकों, आपने उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत शौक है और इस अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया है। ला ला। अब वक्त हो गया है कि मैं यहाँ पर मेहंदी लगाऊं और आपको मैं भेज देती हूँ सीधे सीधे हमारे स्टूडियो में तपस्या और गीतों के पास। मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब चल